यूपी में माफियाओं के खिलाफ लगातार शिकंजा कसा जा रहा है। हाल ही में अतीक ब्रदर्स का हिसाब तो हो गया, अब बारी अंसारी ब्रदर्स की आ गई है। दरअसल गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने 16 साल पुराने मामले में अंसारी ब्रदर्स को सजा सुनाई है। रिपोर्ट देखिए। योगी राज में एक और माफिया पर शिकंजा। उत्तर प्रदेश में अब समय बदल गया है। जहां पहले प्रदेश में माफियाओं का बोलबाला था, अब उनका हिसाब हो रहा है। अतीक के पापों का तो हिसाब हो गया, अब भरपाई की बारी मुख्तार फैमिली की है। प्रदेश में लगातार माफियाओं पर योगी का हंटर चल रहा है। योगी सरकार चुन चुन कर माफियाओं को मिट्टी में मिला रही है। अब मुख्तार का नंबर लगा है। दरअसल मुख्तार अंसारी को गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने गैंगस्टर एक्ट के तहत लगभग 16 साल पुराने मामले में 10 साल की सजा सुनाई। इसके साथ ही 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। तो वहीं उसके भाई अफजाल को 4 साल की सजा हुई है और 1 लाख रुपए का जुर्माना लगा है। क्या है पूरा मामला? साल 2005 से कहानी की शुरुआत होती है। 29 नवंबर 2005 को बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय पर हमला हुआ। विधायक समेत 7 लोगों पर AK-47 से हमला किया गया। इस दौरान 400 से ज्यादा राउंड गोलियां चली थी। हमले में विधायक कृष्णानंद समेत 7 लोगों की हत्या हुई थी। हत्याकांड का आरोप मुख्तार अंसारी और अफजाल अंसारी पर लगा। पहले इस मामले में 15 अप्रैल को फैसला आना था, मगर नहीं आया। फाइनली फैसला आया, मुख्तार को 10 साल की सजा हुई, जुर्माना भी लगा। मुख्तार अंसारी जरायम की दुनिया में एक ऐसा नाम है जिसकी दहशत उसके जेल के अंदर रहने के बाद भी कायम है। बाहुबली पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी बीते 18 साल से जेल में बंद है। बावजूद इसके उसका नाम अक्सर किसी न किसी वजह से सुर्खियों में रहता है। गाजीपुर, वाराणसी, मऊ और आजमगढ़ के विभिन्न थानों में जेल में रहते मुख्तार पर अब तक हत्या के कई मामले दर्ज हुए हैं। अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो करीब 60 साल के मुख्तार अंसारी पर कुल 61 मुकदमे दर्ज हैं। इनमें से सबसे ज्यादा मुकदमे उत्तरगृह जनपद गाजीपुर में है। मगर सिर्फ मामले ही दर्ज होते थे, कार्रवाई के नाम पर कुछ भी नहीं होता था। वो कहती है ना, जब कोई माफियागिरी का खेल खेलकर बोर हो जाता है तब वह अपना रुख राजनीति की तरफ करता है, और ठीक मुख्तार अंसारी ने ऐसे ही किया। अपराध की दुनिया में बड़ा नाम बनने के बाद मुख्तार ने राजनीति में कदम रखा और अपना नया चैप्टर शुरू कर दिया। मुख्तार का राजनीतिक सफर। 1996 में पहली बार विधानसभा चुनाव लड़कर जीत हासिल की। इसके बाद 2017 तक लगातार 5 बार विरोधियों को शिकस्त दी। अपने सफर के दौरान मुख्तार कई राजनीतिक पार्टियों का हिस्सा रहा, लेकिन जैसे ही साल 2022 आया, मुख्तार ने सियासत से दूरी बनाते हुए अपने बेटे अब्बास अंसारी को राजनीति में उतारा। और किस्मत देखिए, अब्बास ने जीत दर्ज की। हालांकि पिता मुख्तार की तरह विधायक बेटा अब्बास अंसारी भी इस समय सलाखों के पीछे है। मुख्तार अंसारी ने जेल के अंदर रहते हुए अपराध की दुनिया में गुर्गों के जरिए कई वारदातों को अंजाम दिया, लेकिन कहते हैं ना कि एक ना एक दिन सबके पापों का हिसाब होता है। साल 2017 आया और प्रदेश में योगी सरकार की एंट्री हुई। बस तब से ही इन अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई जारी है। अब तक मऊ, गाजीपुर और लखनऊ में लगभग 2500 करोड़ रुपए की मुख्तार की संपत्ति को जब्त किया गया और ध्वस्त भी की जा चुकी है, और अब गैंगस्टर एक्ट के तहत उसे 10 साल की सजा और उसके भाई अफजाल को 4 साल की सजा सुनाई गई है। इसी के साथ ही साथ 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगा है, और इसी के साथ ही अफजाल की संसद की सदस्यता जाना भी लगभग तय माना जा रहा है। सीएम योगी ने माफियाओं को जो प्रदेश में जड़ से खत्म करने का वादा किया था, उस वादे को बखूबी निभा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।